हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो द ओरिजिनल नारुतो शिपुदेन एनिमे सीरीज को अंत हुए 4 साल हो गए। फिर उसके बाद एक ऐसी आंधी आई जिसने हमें हिला के रख दिया, जो था बोरुतो नारुतो नेक्स्ट जनरेशन। इस सीरीज को देखना तो हमारे बर्दाश्त के बाहर था, बट हम इसके लिए किसी भी ओरिजिनल क्रिएटर को दोष नहीं दे सकते क्योंकि ये सब उनका आइडिया नहीं था। बट अभी रिसेंटली कुछ र्यूमर्स और न्यूज हम तक आ पहुंची है जिसने हमें शॉक कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम नारुतो और बोरुतो के सराउंड करने वाले इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक बोरुतो का मांगा चैप्टर 55 तक नहीं पढ़ा है तो आपको हैवी स्पॉइलर आगे मिल सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा ही, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहे। तो आज से करीब 21-22 साल पहले मासाशी किशिमोतो ने अपने करियर के सबसे सक्सेसफुल मांगा सीरीज नारुतो को लिखना स्टार्ट किया था, और उसके 14 साल बाद 2014 में एक ह्यूज सक्सेस के बाद किशिमोतो ने नारुतो इस मांगा फ्रेंचाइज को एक एंड दे दिया। इन 14 साल के ड्यूरेशन में किशिमोतो ने 72 वॉल्यूम्स और 700 चैप्टर्स बनाए, जिनकी वर्ल्ड वाइड मिलियंस ऑफ कॉपीज सेल हुई। 3 साल बाद 2017 में नारुतो शिपुदेन एनिमे का भी दी एंड हो गया था। सब कुछ बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्कआउट कर गया और किशिमोतो पूरी तरह से संतुष्ट थे। बट कहते हैं ना कि एक लंबे सफर के बाद जरूरत होती है एक ब्रेक की। अनफॉर्चुनेटली मासाशी किशिमोतो के केस में ऐसा नहीं हुआ। पब्लिशिंग कंपनी शुएशा ने नारुतो शिपुदेन के मांगा के अंत के तुरंत बाद ही किशिमोतो से इस फ्रेंचाइज के एक सीक्वल के आइडिया पे बात की, जिसे किशिमोतो ने रिफ्यूज किया। चाहे कोई भी सीरीज कितने भी ग्रॉसिंग या कमर्शियली प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, इवेंचुअली इट हैज टू एंड समहाउ। आखिर नारुतो जैसी लॉन्ग रनिंग सीरीज जो 14-15 साल तक चली है, उसे और लंबा खींचने का पेशेंस किशिमोतो के पास कैसे होता। वो स्टेप आउट हो गए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अपने को राइटर और असिस्टेंट उकियो कोदाची और मिकियो इकेमोतो को सौंप दिया। अब देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किशिमोतो वांटेड अ ब्रेक ताकि वो अपने काम से रिलैक्स हो सके, और जो असिस्टेंट और इलास्ट्रेटर आगे काम करने वाले थे वो किशिमोतो के को आर्टिस्ट और राइटर रह चुके थे, जो उस काम को परफेक्टली आगे बढ़ा सकते थे। वेल, अभी 3 महीने पहले ही बोरुतो के ऑफिशियल ट्विटर हैंडलर ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि मासाशी किशिमोतो, द ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ नारुतो, ये बोरुतो के चैप्टर नंबर 52 से कमबैक करने वाले हैं, एंड इट्स आल्सो क्लेम दैट दिस वाज ऑलरेडी प्लान्ड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। वेल, एक स्टोरी को ओरिजिनल क्रिएटर से बेहतर और कौन बना सकता है। जब शुएशा ने किशिमोतो को एक सीक्वल पे काम करने के लिए सजेस्ट किया था, उन्होंने इस आइडिया को इंस्टेंटली रिजेक्ट नहीं किया था। उन्हें चाहिए था समय ताकि वो एक गुड डिसीजन ले सके। शायद तभी ये डिसाइड हो गया था कि पहले 13 वॉल्यूम्स उकियो कोदाची संभालेंगे एंड आगे किशिमोतो काम करेंगे। और उस ड्यूरेशन के दौरान किशिमोतो अपने ब्रांड न्यू मांगा सीरीज सामुराई 8 पर काम कर रहे थे। उनका कोई प्री प्लान नहीं था कि ये सीरीज कितनी लंबी चलेगी, बट ये एक्सपेक्टेड था कि सामुराई 8 10-15 वॉल्यूम्स तक रन कर सकती है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं हुआ। हालांकि मासाशी किशिमोतो बोरुतो पर काम नहीं कर रहे थे, बट फिर भी वो बोरुतो के मांगा को सुपरवाइज कर रहे थे, पर इसके चक्कर में उनपे इतना वर्कलोड आया कि वो किसी पे भी फोकस नहीं कर पा रहे थे। इनिशियली सामुराई 8, जिसका मांगा 10-15 वॉल्यूम तक रन करने वाला था, उसे 5 वॉल्यूम के अंदर ही उन्हें खत्म करना पड़ा। और उसी के बाद ही ये अनाउंसमेंट हो गया था कि मासाशी किशिमोतो बोरुतो पर काम करने वाले है। अब देखो, मुझे तुम्हारा तो नहीं पता, बट मैं काफी खुश था ये न्यूज सुनकर। इसीलिए नहीं क्योंकि मुझे कोदाची का वर्क पसंद नहीं आया, इट वॉज रियली गुड। अगर एनिमे को मांगा के अकॉर्डिंगली बनाया गया होता तो वो काफी बेटर बनता। उकियो कोदाची और मिकियो इकेमोतो दोनों ने अपने तरह से बहुत अच्छा वर्क किया। किसी दूसरे के वर्क को आगे ले जाना भी कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन मैं खुश इसलिए था क्योंकि मासाशी किशिमोतो द ओरिजिनल क्रिएटर में जो बात थी, उसे किसी और आर्टिस्ट के वर्क के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता था। नारुतो सीरीज को पढ़ने के बाद हमें ये पता ही है कि किशिमोतो स्टोरी में किस तरह से फ्लेवर को ऐड कर सकते हैं। बोरुतो एनिमे ये कमर्शियली काफी चला। यूजुअली ऐसे मेनस्ट्रीम लॉन्ग रनिंग एनिमे शोज की काफी डिमांड होती है जापान में, इसीलिए ये शोज को कंटिन्यू रन करने के लिए बहुत सारे फिलर बनाए जाते हैं। एंड नारुतो इज द अल्टीमेट किंग ऑफ फिलर्स, जिस वजह से बोरुतो को क्रिटिकली काफी ज्यादा हिट मिला एनिमे कम्युनिटी से, क्योंकि नारुतो एनिमे प्रोडक्शन कंपनी और शुएशा दोनों के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। उन्होंने बोरुतो को भी उस हाइट पर पहुंचाने का सोचा। एनिमे और मांगा प्रोड्यूसर दोनों पर काफी प्रेशर रहता है, वो भी सालों का, और मुझे तो भी लगता है कि 3-4 साल तो शायद लगेंगे ही कैनन और फिलर एपिसोड को एक परफेक्ट रेशियो में लाने के लिए। तो गाइस, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि मैं एक मेजर स्पॉइलर के बारे में बात करने वाला हूँ, तो अगर आपने लेटेस्ट 55 चैप्टर तक नहीं पढ़ा है तो कृपया प्रस्थान करें। ओके, तो बोरुतो के वेरी बिगिनिंग में ही ये फैक्ट ट्रिगर हुआ था कि नारुतो ये बोरुतो में आगे चल के मरने वाला है, जो कि मुझे काफी हाफ बेक्ड थ्योरी लगती है, क्योंकि कहीं पर भी कावाकी और बोरुतो के कन्वर्सेशन में नारुतो के डेथ को मेंशन नहीं किया गया था।
और मांगा से अपडेटेड रहने की वजह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि कावाकी इज नॉट इविल, या वो इतना बुरा टर्नआउट नहीं कर सकता। मे बी हिज कर्मा मेड हिम डू इट, या ऐसा ही कुछ टर्नआउट होता दिख रहा है। बट ओत्सुत्सुकी ईशिकी के साथ बैटल में नारुतो कुरामा के साथ एक ऐसा चक्र को फ्यूज करता है जो इवेंचुअली कुरामा पर भारी पड़ जाता है एंड कुरामा चक्र फेड अवे फ्रॉम नारुतो। इन अदर वर्ड्स, अब कुरामा नारुतो के अंदर नहीं रहा एंड ही इज डिसअपीयर्ड, जो कि काफी ट्रेजिक पार्ट था। वेल, किशिमोटो के पास ही लाइसेंस है किसी भी कैरेक्टर को मारने का, बट दिस टाइम ये एक डार्क टर्न ले गया। आगे ये किस मोड पे जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। खैर कुछ भी हो, बट हम आगे बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखेंगे इन दिस होल न्यू जनरेशन।